हेलो स्टूडेंट्स सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ मैथ्स चैप्टर ऑफ क्लास फोर्थ एंड दैट इज़ द जंक सेलर इस वीडियो में हम लोग द जंक सेलर आपकी क्लास फोर्थ मैथ्स का चैप्टर उसको करने वाले हैं आपको चैप्टर में एक स्टोरी के थ्रू एक जंक सेलर की स्टोरी बताई हुई है जो कि जंग्स को परचेज करता है सेल करता है उसके थ्रू मल्टीप्लीकेशन एंड मनी ये दो कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं तो चैप्टर इज ऑल अबाउट मनी वैल्यूज़ डिफरेंट जो करेंसीज होती है आपकी एंड सेकेंड इज मल्टीप्लीकेशन ये दो कॉन्सेप्ट है पूरे अगर उसको हम देखें चैप्टर को तो, तो चलिए जस्ट लेते हैं आपका दैट हाउ वेल यू अंडरस्टूड द चैप्टर बिफोर दैट इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू द चैनल तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब आप उसको टैप कर देंगे जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए चलिए लेट्स बिगेन नाउ सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज महेश रंस अ टी स्टॉल एंड ऑन्स रूपीज सेवेंटी सिक्स इन अ डे हाउ मच विल ही अर्न इन टेन डेज महेश एक टी स्टॉल रन करता है एक टी स्टॉल चलाता है एंड ही अर्न सेवेंटी सिक्स इन अ डे एक दिन में वो सेवेंटी सिक्स रुपीज़ अर्न कर लेता है कमा लेता है हाउ मच विल ही अर्न इन टेन डेज तो आपको बताना है कि दस दिन में टेन डेज में वो कितना अर्न कर लेगा कितने पैसे कमा लेगा क्वेश्चन क्लियर है एक दिन में सेवेंटी सिक्स कमाता है टेन डेज़ में कितना अर्न करेगा ये आपको बताना है आपके ऑप्शन हैं ए सेवन सिक्सटी बी वन फिफ्टी टू सी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वीडियो पॉज करिए आप सभी जो मैथ्स की कोई भी क्विज करें तो कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठा करिए सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर होगा वैसे डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं ये नॉर्मल मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से चलिए आपने आंसर कर दिया होगा तो देखिए कोई दूसरा क्वेश्चन मैं बता देती हूँ इसकी जगह अगर जो महेश था वो एक दिन में एटी नाइन रुपीज कमाता और आपसे पूछा होता इन हाउ

ये मैंने अलग क्वेश्चन का आंसर दिया अब अगर आपने पहले आंसर नहीं दिया तो आप यहां से हिंट लेके अब इसका आंसर कर सकते हैं चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइव नोट्स ऑफ रुपीज फिफ्टी आपके पास फिफ्टी के फाइव नोट्स हैं तो आपको बताना है कि आपके पास टोटल मनी वैल्यू कितनी है कितने रुपए हैं आपके पास टोटल आपके ऑप्शंस हैं ए फाइव हंड्रेड रुपीज बी फोर हंड्रेड फिफ्टी रुपीज या फिर सी टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव नोट्स वन टू थ्री फोर एंड फाइव ऑफ रुपीज फिफ्टी पचास रुपए के पांच नोट तो टोटल मनी वैल्यू कितनी होगी चलिए आंसर कर दिया होगा आपने इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है अगर मैं कहूँ आपके पास नाइन नोट है ऑफ रुपीज ट्वेंटी तो टोटल मनी वैल्यू कितनी होगी सो यू हैव टू मल्टीप्लाई जो एक नोट की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नोट्स तो आप ट्वेंटी को मल्टीप्लाई कर देंगे नाइन से यानी कि आपका आंसर आएगा वन एटी so, सो वन एटी रुपीज़ होंगे आपके पास ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स आपको तीन स्टेटमेंट्स दी हुई है आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है रॉन्ग है इनमें से ए ऑप्शन है आपका ट्वेंटी इंटू फाइव इक्वल्स टू हंड्रेड ये गलत है या फिर टू हंड्रेड इंटू फिफ्टी इंटू इज इक्वल्स टू वन थाउजेंड ये रॉन्ग है या फिर टू हंड्रेड इंटू फाइव इज इक्वल्स टू वन थाउजेंड ये रॉन्ग है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग चलिए आंसर कर दिया होगा आपने एंड एक चीज और बता देते हैं आपको अगर आपको अक्रॉस जीरो मल्टीप्लाई करने नंबर सपोज करिए आपको मल्टीप्लाई करना है फोर हंड्रेड इंटू फिफ्टी तो पहले आप फोर को फाइव से मल्टीप्लाई कर लीजिए फोर फाइव आर ट्वेंटी आप यहाँ पर ट्वेंटी लिखेंगे और लास्ट में जो जीरोज़ है उनको काउंट करके ट्वेंटी के पीछे उतनी जीरोज लगा दीजिए जैसे अगर फोर के पीछे हम देखें तो टू जीरोज थी फाइव के पीछे वन थी तो टू प्लस वन इज़ थ्री तो आप इसके पीछे थ्री जीरोज़ पुट कर दीजिए कर दीजिए आंसर विल बी ट्वेंटी थाउजेंड ओके लेट्स मूव अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ट्वेंटी रुपीज़ नोट्स आर नीडेड टू मेक रुपीज़ हंड्रेड आपको बीस बीस के कितने नोट चाहिए कि आपके पास हंड्रेड रुपीज़ हो जाए आपके ऑप्शन हैं ए फाइव नोट्स बी टेन नोट्स या फिर सी एट नोट्स हाउ मेनी ट्वेंटी रुपीज नोट्स आर नीडेड टू मेक रुपीज हंड्रेड फाइव टेन और ट्वेंटी एट सॉरी चलिए आंसर कर दिया होगा आपने अब आप इसके हिंट के तौर पे मैं इतना बता देती हूँ कि आप ट्वेंटी को किस से मल्टीप्लाई करें कि हंड्रेड आ जाए ट्वेंटी कितने हजार हंड्रेड होते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फिफ्टी रुपीज़ नोट्स आर नीडेड टू मेक रुपीज़ वन थाउजेंड आपके पास फिफ्टी रुपीज़ के नोट्स हैं खाली तो आपके पास कितने नोट्स होने चाहिए कि आपके पास वन थाउजेंड रुपीज़ हो जाए आपके ऑप्शन हैं ए टेन नोट्स बी ट्वेंटी नोट्स या फिर सी थर्टी नोट्स पचास के कितने नोट आपके पास होंगे जिससे कि आपके पास वन थाउजेंड एक हज़ार रुपये हो जाए दस नोट से काम चल जाएगा बीस या फिर तीस थर्टी टेन ट्वेंटी और थर्टी ओके okay, आंसर कर दिया होगा आपने हिंट में इतना मैं बता देती हूँ कि 50 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से फिर 20 से फिर 30 से और जहाँ पे आपका आंसर 1000 आएगा वही आपका आंसर करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से तीन स्टेटमेंट्स आपको दी हुई आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है नाइन टाइम्स टू इज एटीन या फिर टू टाइम्स नाइन इज एटीन या फिर बोथ आर करेक्ट दोनों ही सही है नाइन टाइम्स टू यानी कि नाइन दो को अगर मैं नौ बार लिखूं तो हमारा आंसर एटीन आएगा या फिर टू टाइम्स नाइन नाइन को टू टाइम्स लिखूं दो बार लिखूं तो ऐड करके आंसर एटीन आएगा या फिर दोनों ही सही है दोनों बार एटीन ही आएगा विच ऑप्शन इज करेक्ट चलिए आंसर कर दिया होगा आपने तो इसमें मैं बता देती हूँ मल्टीप्लीकेशन जो होता है आपका आप चाहे फोर टाइम्स फाइव कर लीजिए या फिर फाइव टाइम्स फोर कर लीजिए आंसर हमेशा सेम ही आता है फोर फाइव आर ट्वेंटी फाइव फोर जो ट्वेंटी है ना सेवन नाइन जर सिक्स एंड नाइन सेवन सिक्सटी थ्री तो मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होती है कम्यूटेटिव क्लास में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट है आपका कि नंबर्स का अगर आप प्लेसेस चेंज कर देते हैं तो मल्टीप्लीकेशन के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता ओके okay? आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट टोटल मनी आपको कुछ नोट यहाँ हुए हैं आपके पास जो करेंसीज हैं उससे आपको टोटल मनी कैलकुलेट करनी है टू नोट्स ऑफ हंड्रेड हंड्रेड के दो नोट्स हैं आपके पास देन वन नोट ऑफ फिफ्टी एक फिफ्टी का नोट है एंड सेवन कॉइंस ऑफ वन और सात कॉइंस है वन के ओके बताइए कि टोटल कितना अमाउंट हो गया आपके पास आपके ऑप्शन हैं ए वन फिफ्टी सेवन काउंट कर लीजिए इनको बी सेवन हंड्रेड फिफ्टी टू या फिर सी टू हंड्रेड फिफ्टी सेवन विच ऑप्शन इज करेक्ट चलिए आंसर कर दिया होगा इसका मैं आपको हिंट दे ही चुकी हूँ तो यहाँ से अगर आपको आंसर नहीं पता आप इनको ऐड करके तब आंसर कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट मेक थाउजेंड आपको वन थाउजेंड रुपीज़ चाहिए इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है आपका जो वन थाउजेंड रुपीज़ नहीं बनाएगा आपके ऑप्शन हैं टू नोट्स ऑफ फाइव हंड्रेड पाँच सौ के दो नोट होंगे तो थाउजेंड नहीं बनेंगे फाइव नोट्स ऑफ टू हंड्रेड दो सौ के पांच नोट होंगे दो तो थाउजेंड नहीं बनेंगे या फिर फिफ्टी नोट्स ऑफ टेन दस दस के पचास नोट होंगे तो थाउजेंड नहीं बनेंगे किन किन नोट से किस उससे इनमें आपका थाउजेंड नहीं बनेगा विल नॉट मेक अ थाउजेंड चलिए आंसर कर दिया होगा आपने हिंट में मैं इतना बता देती हूँ जो भी आपको नोट्स और नोट की जो वैल्यू है वो दी हुई है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए टू को फाइव हंड्रेड से फाइव को टू हंड्रेड से एंड फिफ्टी को टेन से और जिसमें आपका आंसर थाउजेंड नहीं आ रहा है थाउजेंड के अलावा कुछ और आंसर आ रहा है वही आपका करेक्ट आंसर है इसका चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी नोट्स ऑफ ट्वेंटी विल मेक आपके पास बीस बीस के पचास नोट हैं ऐसे तो आप बताइए आपके पास कितना अमाउंट है आपके ऑप्शन हैं ए हंड्रेड हंड्रेड रुपीज़ है बी वन थाउजेंड वन थाउजेंड रुपीज़ है या फिर सी टन थाउजेंड कितनी मनी है आपके पास टोटल अगर आपके पास फिफ्टी नोट्स हैं ट्वेंटी रुपीज के बीस बीस के पचास नोट्स हैं चलिए आंसर कर दिया होगा आपने पता होगा क्या करना है आपको यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ नोट्स हैं आपके पास और एक नोट की जो वैल्यू है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ वन केजी न्यूज़पेपर न्यूज पेपर इज रुपीज सिक्स एक के जी न्यूज़ पेपर की जो कॉस्ट है वो छः रुपये है सिक्स रुपीज़ का आता है सो द कॉस्ट ऑफ वन फिफ्टी टू के जी न्यूज़ पेपर अगर आपके पास वन फिफ्टी टू के जी न्यूज़ पेपर है जंक सेलर जो आपका लेसन है उसमें पता होगा आपको वो जो विमेन के बारे में आपको दिया हुआ है वो न्यूज़ पेपर सेल और बाय करती है तो एक के जी का अगर वो छः रुपये देती है और वो वन फिफ्टी टू के जी परचेज कर रही है ले रही है तो बताइए कि उसके कितने रुपये उसको पे करने पड़ेंगे आपके ऑप्शन हैं नाइन हंड्रेड एंड ट्वेल्व 842 या फिर 1012 वीडियो पॉज कर दीजिए पता होगा आपको क्या करना है 1 केजी की कॉस्ट दी हुई है 152 की कॉस्ट आपको निकालनी है आपके ऑप्शन से 912 842 या 1012 चलिए आंसर कर दिया होगा आपने इसकी जगह मैं दूसरा क्वेश्चन बता देती हूँ। अगर 1 केजी न्यूज़पेपर की कॉस्ट होती रुपीज ₹5 और आपको निकालना होता 700 फिफ्टी सेवन के जी की कॉस्ट तो आप क्या करते है? जब भी कभी आपको मैथ्स में वन के जी की कॉस्ट दी है वन डे का कुछ दिया हुआ है वन मतलब यूनिटरी मेथड में यूनिट की कॉस्ट दी हुई है यूनिट की वैल्यू दी हुई है और उससे ज़्यादा की पूछी पूछिए तो आपको क्या करना होता है यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई तो आप यहाँ पर सेवन फिफ्टी सेवन को मल्टीप्लाई करते फाइव से अगर क्वेश्चन ये होता कि फाइव वन के जी फाइव के हैं तो सेवन फिफ्टी सेवन के जी के कितना होगा सेवन फाइव सर थर्टी फाइव थ्री कैरी फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री इज ट्वेंटी एट टू कैरी फाइव सेवनजार थर्टी फाइव प्लस टू थर्टी सेवन सो आपका आंसर होता थ्री सेवन एट फाइव अगर क्वेश्चन ये होता अब आप, आप देखिए कि क्वेश्चन क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकालिए ओके सो ये छोटी सी क्विज थी हमारी बहुत ज्यादा चीजें नहीं है चैप्टर में मनी आपको बताया हुआ है मनी वैल्यूज में कितने नोट्स आएंगे एंड टोटल करेंसी कितनी होगी और कुछ क्वेश्चंस आपके मल्टीप्लिकेशन के हैं कुछ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस भी हैं इसमें So that's all. Thank you so much for watching.